उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराध को लेकर बेहद ही सख्त माने जाते हैं। सत्ता में आने के बाद वो कई दफा चेतावनी भी दे चुके हैं। उनकी बातों का अपराधियों में खौफ भी नजर आता है। ऐसा ही एनसीआरबी के आंकड़ों से साबित हो जाता है। आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में साल 2022 में एक भी दंगा नहीं हुआ है। पिछले 5 सालों में देखा जाए तो 50% की गिरावट दंगा में देखी गई है। एनसीआरबी के 2022 के जो आंकड़े जारी किए गए हैं उनके अनुसार पिछले 5 सालों में असम में भी दंगे में गिरावट दर्ज की गई है। यहां पर 80% की गिरावट आई है। वहीं छत्तीसगढ़ में ये आंकड़े बढ़े हैं, यहां पर 44% का उछाल देखने को मिला है। देश भर की अगर बात की जाए तो देश भर में सांप्रदायिक दंगों की घटनाओं में 2018 और 22 के बीच 34% की गिरावट देखी गई है। सांप्रदायिक दंगे 2021 में 378 से घटकर 2022 में केवल 272 ही रह गए हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 2022 में सांप्रदायिक या फिर धार्मिक दंगों की 68 घटनाएं हुई है। बिहार की अगर बात की जाए तो यहां पर 60 और झारखंड की और बिहार की बात की जाए तो यहां पर क्रमशः 60 और 46 दंगे हुए हैं। और अगर एनसीआरबी के अनुसार हम उत्तर प्रदेश पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक या फिर धार्मिक दंगों की एक भी घटना सामने नहीं आई है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार अपराधियों में खौफ के लिए कहते रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना हुई तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। और उनकी ये चेतावनी का ही असर है कि आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त नजर आ रहा है। तो चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश में हुए अपराधों की संख्या और अपराध दर के बारे में हम आपको बता देते हैं किस प्रकार के अपराध हुए, अपराधों का प्रकार, अपराधों की संख्या, अपराधों का क्राइम रेट और देश में उत्तर प्रदेश को कितना स्थान मिला है। क्रमशः मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा कि देश भर में कितने अपराध हुए हैं। अगर हम देश भर में कुल आईपीसी के मामलों की बात करें तो 35,61,379 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कुल मामले 4,01,787 ही दर्ज किए गए हैं। और अगर ऑल ओवर इंडिया में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। और अगर अपराधों के प्रकार की बात की जाए तो पहला मैं आपको बताऊंगा हत्या के मामले। देश भर में 28,522 दर्ज किए गए, जबकि उत्तर प्रदेश में महज 3,491 मामले ही दर्ज किए गए हैं। और अगर यूपी के क्राइम रेट की बात की जाए हत्या के मामले में तो 1.5 रहा और देश भर में इसको स्थान क्रमशः 15 मिला है। और अगर हत्या के प्रयास की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 3,788 मामले ही दर्ज किए गए हैं, जबकि पूरे देश भर में 57,256 मामले दर्ज किए गए हैं। हत्या के प्रयास में उत्तर प्रदेश को 1.6 का क्राइम रेट मिला है और 25वां स्थान मिला है। इन स्थानों से आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हत्या के प्रयास के मामले जो हैं उनमें गिरावट दर्ज की गई है, यानी कि अब हत्या के प्रयास उत्तर प्रदेश में नहीं होते हैं, क्राइम का जो रेट है वहां पर घटता जा रहा है। और अगर हम शीलभंग यानी कि 6वें नंबर पर आप गौर करिए, शीलभंग की अगर बात करें तो भारत भर में 83,344 मामले दर्ज किए गए, जबकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 10,000 ही यहां पर घटनाएं या फिर आंकड़े दर्ज किए गए हैं। और अगर हम क्राइम रेट की अगर बात करें तो यहां पर 9.4 क्राइम रेट रहा ऑल ओवर इंडिया में और उत्तर प्रदेश को 17वां स्थान यहां पर मिला है, यानी कि यहां भी स्थिति बेहद ही अच्छी मानी गई है। और ये देखिए 7वें नंबर पर आप गौर करेंगे तो 7वें नंबर पर फिरौती हेतु अपहरण यानी कि ये जो वो घटना है जो फिरौती के लिए दर्ज की गई है आईपीसी इंडियन पिनल कोड के अनुसार, भारत में ऐसे मामले 615 दर्ज किए गए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 30 ही ऐसे मामले हैं जो दर्ज किए गए हैं। यानी कि यहां पर अच्छी स्थिति है उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश को इस मामले में 30वां स्थान मिला है। तो आप ये देखिए किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अपराधों में कमी आई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी, उनके कार्यशैली यहां पर काम कर गई और उत्तर प्रदेश जो है अपराध मुक्त की ओर बढ़ रहा है। और ये देखिए अब हम आपको अपराध के प्रकार की अगला प्रकार बताएंगे। यहां पर बलात्कार के मामले जो हैं देश भर में तकरीबन 3 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए, जबकि
उत्तर प्रदेश में 3,690 ही मामले दर्ज हुए हैं। और अगर हम रेट की बात करें तो क्राइम रेट यहां पर 3.3 रहा, जबकि देश भर में यानी कि ऑल ओवर इंडिया में उत्तर प्रदेश को 24वां स्थान मिला है। यानी कि इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में यहां स्थिति काफी ठीक है और महिला सुरक्षा को लेकर योगी आदित्यनाथ ने जो सपना देखा वो भी साकार होता दिखा। यानी कि यहां पर महिला अपराधों में कमी आई है, 24वां स्थान उत्तर प्रदेश को ऑल ओवर इंडिया में मिला है। अभी देखिए हम 9वें जो प्रकार है वो बलबा का हम आपको बताने जा रहे हैं। बलबा भारत में 57,082 दर्ज किए गए, जबकि उत्तर प्रदेश में 4,745 ऐसे मामले देखने को मिले जो कि आईपीसी के रिकॉर्ड में दर्ज हुए हैं। और अगर हम इसके क्राइम रेट की बात करें तो 2.0 मामले ही दर्ज यूपी में हुए हैं। यानी कि अगर हम इसको स्थान के तौर पर देखें ऑल ओवर इंडिया तो 24वां स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है। यहाँ भी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ ना तो बलबा होते हैं अब और ना ही दंगे होते हैं, यहाँ भी स्थिति उत्तर प्रदेश की काफ़ी अच्छी देखी गई है। और अगर अब देखिए 10वें पॉइंट पर हम बात करेंगे नकबजनी की बात करेंगे तो देश भर में इस प्रकार के मामले लाखों में है, यानी कि 1,00,000 से ऊपर पहुँच चुके हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 6,000 ही मामले दर्ज किए गए हैं, 6,906। और अगर क्राइम रेट यानी कि अपराध दर की अगर बात करें तो यहाँ पर इस मामले में 3.0 यूपी को मिला है। और अगर यहाँ पर स्थान की बात करें यानी कि ऑल ओवर इंडिया तो 37वां स्थान यहाँ यूपी को मिला है, यानी कि यहाँ भी स्थिति यूपी की ठीक ठाक ही रही है। और अगर अब बात की जाए लूट की तो लूट देश भर में 28,356 मामले दर्ज हुए, जबकि उत्तर प्रदेश में 1,975 मामले दर्ज किए, यानी कि सबसे कम क्राइम रेट जो है सबसे नीचे जा रहा। देखिए किस प्रकार से क्राइम रेट में यहां पर घटौती हुई, कम दिखाई दिया। और अगर हम इसके अपराध दर की बात करेंगे तो यहां पर सिर्फ 0.8 मिला है। और अगर ऑल ओवर इंडिया का स्थान देखा जाए 27वां स्थान यानी कि यूपी को मिला है। तो यहाँ भी लूट के मामले में यूपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, यहाँ पर कम यहां पर अपराध की संख्या देखने को मिलती है। ये एनसीआरबी के तमाम आंकड़े हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। एनसीआरबी की हाल ही में रिपोर्ट पेश हुई है, उसके अनुसार ये जो अपराध के किस प्रकार से जो दर है वो यूपी में घटी है वो हम आपको बता रहे हैं। डकैती के मामले हमें अगर बात की जाए 12वें नंबर पर गौर करिएगा, डकैती के मामले जो हैं भारत भर में 2,666 मामले दर्ज हुए, जबकि उत्तर प्रदेश में महज 80, ये चौंकाने वाला आंकड़ा है, महज 80 ही मामले दर्ज हुए हैं। यानी कि यूपी में अब डकैती भी नहीं होती है। एक जमाना ऐसा था जहां पर उत्तर प्रदेश को नंबर वन कहा जाता था, लेकिन अब अपराधों में कमी हुई और महज 80 डकैती के मामले यूपी में दर्ज हुए। यानी कि क्राइम रेट 0.0, बिल्कुल 0.0 यहां पर दर्ज हुए हैं। और अगर ऑल ओवर इंडिया में स्थान की बात की जाए तो 31वां स्थान यूपी को मिला है, यानी कि यहां भी बेहतर स्थिति यूपी की देखने को मिली। महिलाओं के लिए विरुद्ध कुल अपराध कुल आईपीसी अधिनियम के तहत कितने देश भर में हुए वो हम आपको बता दें कि 4,45,256 दर्ज हुए, जबकि उत्तर प्रदेश में 65,743 मामले दर्ज किए। यानी कि यहाँ थोड़ी चिंताजनक बात है, लेकिन उतनी नहीं जितने कि हम कह सकते हैं। 58.4% यहाँ पर क्राइम रेट रहा और 14वां स्थान यहाँ पर यूपी को ऑल ओवर इंडिया में मिला है। तो अगला जो अपराध का प्रकार है वो बच्चों के विरुद्ध अपराध है। यहाँ पर देश भर में 1,62,449 मामले देश भर में दर्ज हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 18,682 ही मामले यहाँ पर दर्ज हो पाए हैं। क्राइम रेट की अगर बात की जाए यूपी की बच्चों के विरुद्ध अपराध को 21.9 यहाँ पर क्राइम रेट रहा, यानी कि यहाँ स्थिति ठीक है। और 29वां स्थान यूपी को देश भर में मिला। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हम आपको बता दें कि अन्य राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश की स्थिति अपराध के तौर पर देखें तो नियंत्रण में रही। यानी कि जिस प्रकार से योगी सरकार ने अपराधों पर यहां पर अंकुश लगाया, नियंत्रण किया, उसकी पूरी तालिका हमने आपको एक के बाद एक दिखाई कि किस प्रकार से अपराधों में यूपी में कमी आई। हमने आपको अपराधों के प्रकार बताए, लूट से लेकर डकैती से लेकर पॉक्सो से लेकर कि बलात्कार से लेकर नकबजनी, ये तमाम अपराध के प्रकारों में यहाँ पर कमी आई है। यानी कि अब उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त होने की कगार पर है। तो ये वो प्रकार हम आपको बता रहे थे, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि अन्य राज्यों की तुलना में यूपी की स्थिति क्या रही। यानी कि संपूर्ण आईपीसी एक्ट के जो मामले दर्ज किए गए, अन्य राज्यों में यूपी की स्थिति कैसी रही और अन्य राज्यों की कैसी रही।
तो चलिए अब ये आप ग्राफ देखिए किस प्रकार से संपूर्ण भारतीय दंड विधान यानी कि इंडियन पिनल कोड के वर्ष के अनुसार आंकड़े क्राइम इन इंडिया एंड क्राइम इन यूपी किस प्रकार से दर्शाए गए हैं, मैं आपको पॉइंट से बताता हूं। देखिए प्रदेश में वर्ष 2022 में संपूर्ण आईपीसी के अपराध दर यानी कि क्राइम रेट का कैसा विवरण रहा, देश भर में इस प्रकार के मामले इंडिया में 258.1 रहा जबकि उत्तर प्रदेश में 171.6 क्राइम रेट अपराध दर रहा यानी कि सबसे कम ही इसको हम मान सकते हैं। और देश भर यानी कि ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो यूपी को इस मामले में 20वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो इससे हम ये कह सकते हैं। और देखिए अगर हम अन्य राज्यों की तुलना करें तो सबसे पहले आप गौर करिएगा दिल्ली, केरल, हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये जो तमाम राज्य हैं जहां पर जो क्राइम रेट है वो मैं आपको बता रहा हूं। दिल्ली में 1424.1 यानी कि दिल्ली में सर्वाधिक क्राइम रेट रहा है, जो आईपीसी के मामले जो दर्ज किए गए हैं दिल्ली में सर्वाधिक दर्ज किए गए हैं, जबकि उसकी तुलना अगर यूपी से की जाए तो सिर्फ 171.6। इसके अलावा आप तालिका देखिए, केरला में 661.0, हरियाणा में 418.6, तेलंगाना में 400.1, मध्य प्रदेश में 347.0, उड़ीसा की बात की जाए तो यहाँ पर 311.2। ये वो राज्य है जहां पर सर्वाधिक इस प्रकार के मामले दर्ज हुए जबकि यूपी में महज 171.6 ही हुए। और ये देखिए उसके बाद ग्राफ किस प्रकार से ग्राफ यूपी में घटता रहा जबकि अन्य राज्यों में बढ़ता रहा। सबसे नीचे का ग्राफ देखिए जो हम आपको एरो दिखा रहे हैं, सबसे नीचे 171 पर यूपी जबकि सर्वाधिक दिल्ली 1424.1, ये क्राइम रेट सबसे ज्यादा देश भर में रहा जबकि सबसे कम यूपी में रहा। और अब मैं आपको संपूर्ण अधिनियम यानी कि संपूर्ण जो लॉ के अनुसार से अपराध दर्ज किए गए उसमें किस प्रकार से यूपी में घटौती हुई वो आपको बता दूं। ऑल ओवर इंडिया में 164.1 जबकि यूपी में 150.3 दर्ज किए गए हैं और ऑल ओवर इंडिया में यूपी को 9वां स्थान मिला है। यहां पर सबसे बढ़िया काम हुआ है ये देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश राज्य से अधिक किन राज्यों का रेशो रहा, अब मैं आपको बताता हूं यानी कि क्राइम रेट, इसको हम क्राइम रेट समझेंगे 2022 के हिसाब से। केरला 613.7 पर रहा, गुजरात 549.1 पर रहा, हरियाणा 391.8 पर रहा, तमिलनाडु 364.4 पर रहा, अंडमान निकोबार 280.8 रहा और उत्तर प्रदेश 150.3 पर रहा। देखिए यहां पर केरला सबसे ज्यादा यानी कि हम आपको वो एरो दिखाएंगे फिर से कि केरला सबसे ज्यादा यानी कि 613.7 जबकि उत्तर प्रदेश महज 150 पर, तो यहां पर उत्तर प्रदेश को सबसे अच्छा स्थान प्राप्त हुआ है यानी कि हम यहां भी कह सकते हैं कि संपूर्ण अधिनियम के मामले में यानी कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में यूपी सर्वाधिक अच्छा रहा। यहां भी लॉ एंड ऑर्डर योगी सरकार ने बेहतर संभाला और उसी का ये नतीजा है कि अब अपराधों का जो ग्राफ यूपी में है वो एकदम से घटने लगा है। और देखिए इसके बाद मैं आपको हत्या का प्रकार बताऊं, 302 भारतीय दंड विधान यानी कि इंडियन पेनल कोड की 302 धारा यानी कि हत्या के जो मामले हैं देश भर में कितने हुए, देश भर का जो रेशो रहा है वो 2.1 रहा है जबकि उत्तर प्रदेश का जो रेशो रहा वो 1.5। आप देखिए तस्वीरों में किस प्रकार से स्क्रीन पर मैं आपको बता रहा हूं, जबकि ऑल ओवर इंडिया देश भर में यूपी की बात करें तो 28वां स्थान यूपी को मिला है यानी कि यहां पर बेहतर स्थिति है हत्या के मामले में, जो है यूपी में अच्छी स्थिति देखने को मिली है लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से। और अगर अन्य राज्यों की तुलना मैं यूपी से करूं तो झारखंड 4.0 यानी कि 4.0, अरुणाचल प्रदेश 3.6, छत्तीसगढ़ 3.4, हरियाणा 3.4, असम 3.0 और उत्तर प्रदेश महज 1.0 यानी कि 1.5। ग्राफ में देखिए लाल ग्राफ जो आपको दिख रहा है वहां पर स्टेटों की स्थिति कैसी रही और उसके बाद में यूपी की स्थिति कैसी रही, हत्या के अपराधों का वर्षवार यानी कि साल दर साल जो आंकड़े हैं क्राइम इन इंडिया के अनुसार
पूरे देश भर में किस प्रकार से क्राइम हुआ और यूपी का जो क्राइम का जो ग्राफ था, जो रेट था, वो कम कैसे हुआ, ये जो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हत्या के मामलों का मैं आपको ये प्रकार बता रहा था, क्राइम रेट मैंने आपको बताया यानी कि अपराध दर बताई, और संख्या जो थी मैंने वो आपको बताई, और देश भर में यूपी को 28वां स्थान मिला वो भी मैंने आपको बताया, यानी कि यहाँ भी योगी सरकार के नेतृत्व में जो अपराधों में कमी देखी गई है वो साफ तौर पर इन ग्राफों में देखने को मिलती है। और जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, अपराधों की जो संख्या रही है, अपराधों का जो प्रकार रहा है, उसमें लूट यानी कि आईपीसी 392 यानी कि 392, 394 और 397 के जो मामले दर्ज किए गए हैं वो मैं आपको बताता हूं। वर्ष 2022 में लूट के अपराध का जो क्राइम रेट रहा है, अपराध दर रहा है, वो ऑल ओवर इंडिया में 2.0 रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में महज 0.8 यानी कि 0.8 रहा, और ऑल ओवर इंडिया में 27वां स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है। लूट में वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश के सापेक्ष अगर अन्य राज्यों की तुलना की जाए तो यहां पर क्राइम रेट उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक देखने को मिलता है। उसका विवरण मैं आपको बताता हूं। देखिए जो येलो सर्कल है वहां पर आप देखिए किस प्रकार से मार्क किया हुआ है, दिल्ली में 8.6 यानी कि 8.6, जबकि उड़ीसा में 6.5, महाराष्ट्र में 5.2, तमिलनाडु में 3.5 और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में 3.4, जबकि उत्तर प्रदेश में 0.8 यानी कि सबसे कम यहां पर आईपीसी के यानी कि जो लूट के मामले हैं 392, 94 और 97 के मामले सबसे कम दर्ज हुए हैं, यानी कि यहां पर अब जो लूट की घटनाएं हैं वो नहीं होती है, 394 के मामले अब यहां पर दर्ज नहीं होते हैं, क्योंकि यहां पर योगी सरकार ने जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर संभाला उसी का ये जो परिणाम देखने को मिल रहा है कि यहां पर ना तो लूट हो रही है, ना ही दंगे हो रहे हैं, ना ही किसी दूसरे प्रकार के जो अपराध है वो हो रहे हैं, जबकि जो हुए हैं उनकी तुलना में अब जो ग्राफ है अपराधों का वो 0.8 पर आ गया है। तो ये डकैती के मामले में आपको बता रहा था, जहां पर डकैती यानी कि 395 इंडियन पिनल कोड के जो मामले देश भर में दर्ज किए, प्रदेश में वर्ष 2022 में डकैती के अपराध का विवरण जो है अन्य प्रदेशों के मुकाबले और यूपी के मुकाबले, पहले मैं आपको बता दूं इंडिया में 0.2 रहा यानी कि 0.2 रहा, जबकि उत्तर प्रदेश में 0.0 यानी 0.0 रहा, और 31वां स्थान यहां पर देश भर में ऑल ओवर इंडिया में उत्तर प्रदेश को मिला, यानी कि यहां पर अब डकैती की घटनाएं हैं शून्य आई है, एक भी घटना डकैती की नहीं हुई, एक भी दंगे नहीं हुए, ये जो परिणाम है वो योगी सरकार के कुशल नेतृत्व के कारण ही यहां पर संभव हो पाया है कि डकैती की एक भी घटना नहीं हुई। एक समय था जब यूपी में डकैती की घटनाएं आम बात हो चुकी थी, डकैती के जो मामले थे आए दिन आते रहते थे, और खासा नुकसान यूपी ने डकैती के मामले में उठाया है। चंबल की अगर बात की जाए तो इसका डकैती का गढ़ ही माना जाता था, लेकिन आज का जो दौर है योगी का दौर कहें, योगी का शासनकाल कहें, जहां पर डकैती के मामले अब एक भी सामने नहीं आए हैं, यानी कि 0.0 यहां पर आए हैं। और अगर अन्य राज्यों की बात की जाए, अन्य राज्यों में आप तस्वीरों में देखिए, उड़ीसा में 0.9, मेघालय में 0.5, चंडीगढ़ में 0.4, महाराष्ट्र में 0.4, हरियाणा में 0.4 और उत्तर प्रदेश में 0.0 मामले दर्ज किए गए हैं, यानी कि एक भी मामले दर्ज यहां पर नहीं किए गए हैं। तो ये बेहतर स्थिति उत्तर प्रदेश की डकैती के मामले में भी देखने को मिली है, और ये तो तमाम आपके लिए मैं आपको बता रहा हूं सभी एनसीआरबी के है। और अगले अपराध के प्रकार की अगर बात की जाए, यानी कि 376 बलात्कार के जो मामले हुए हैं आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड के अनुसार, देश भर में 4.7 इसका जो रेट रहा, क्राइम रेट अपराध दर जो रहा, लेकिन यूपी की बात की जाए तो यहां पर 3.3 ही मामले दर्ज किए गए, देश भर में 24वां स्थान यूपी को मिला। यहां पर सबसे अच्छी बात यह रही कि महिला अपराध के मामले में योगी सरकार ने जिस प्रकार की नीति अपनाई, जीरो टॉलरेंस की नीति योगी सरकार ने अपनाई, उसी का जो परिणाम देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश महज 3.3 पर सबसे नीचे आकर देखने को मिला है, महिला अपराध के मामले यहां पर सबसे कम हुए।
उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में 15.4, चंडीगढ़ में 13.9, राजस्थान में 13.8, हरियाणा में 12.7, दिल्ली में 12.3, लक्षद्वीप में 12.1 और अरुणाचल प्रदेश में 9.8। जो क्राइम रेट मैंने आपको बताया है ये उन राज्यों का है जहां पर महिला अपराध सबसे ज्यादा हुए हैं, जबकि यूपी में महज 3.3 ही इस प्रकार के मामले हुए हैं। यानी कि अगर हम बात करें शासन प्रशासन की तो जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही योगी सरकार की वो यहां पर कारगर सिद्ध हुई और महिला अपराध के मामलों में कमी आई। यानी कि जो अपराध पहले हुआ करते थे, बलात्कार के मामले हुआ करते थे, अब वो यूपी में कम होने लगे हैं और उसी का जो परिणाम है कि 3.3 पर अपराध दर यूपी में देखी गई। और अब बात करते हैं पॉक्सो एक्ट की। प्रदेश में वर्ष 2022 में पॉक्सो एक्ट के अपराध दर यानी कि क्राइम रेट का जो विवरण है मैं आपको बता दूं, पहले तो ऑल ओवर इंडिया का आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 14.3 हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश में 9.5 इसका क्राइम रेट यानी कि अपराध दर रहा। और ऑल ओवर इंडिया में यूपी को, उत्तर प्रदेश को 25वां स्थान प्राप्त हुआ है। पॉक्सो एक्ट में वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश के सापेक्ष अगर अन्य राज्यों का क्राइम रेट यानी कि अपराध दर देखा जाए तो इसका विवरण आप देखिए किस प्रकार से अंडमान निकोबार का सर्वाधिक रहा देश भर में, और उसके बाद लक्षद्वीप रहा 55.3, सिक्किम रहा 50.0 और केरल 35.4, दिल्ली 27.3 और जबकि उत्तर प्रदेश महज 9.5 ही रहा। यानी कि यहाँ पर जो बालिकाएं हैं, बेटियां हैं, उनके साथ भी इस प्रकार की घटना अब नहीं होती है। इस ग्राफ में जो दर्जी कमी देखी गई है वो जीरो टॉलरेंस की नीति ही है और कहीं ना कहीं योगी सरकार की जो पॉलिसी रही है उसका परिणाम यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो ग्राफ था अपराध का वो सबसे नीचे उत्तर प्रदेश का देश भर में देखने को मिला है। यहाँ पर स्थिति काफी बेहतर देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पर अब जो पॉक्सो एक्ट के मामले हैं वो दर्ज बहुत कम हो रहे हैं। और देखिए अगला प्रकार है शील भंग होना, यानी कि महिलाओं की गरिमाओं को ठेस पहुंचाना, उनके साथ बदतमीजी करना। इस प्रकार के मामलों में यूपी की स्थिति क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। प्रदेश में वर्ष 2022 में पॉक्सो एक्ट के अपराध के दर यानी कि क्राइम रेट का विवरण जो है ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो 12.4 रहा, जबकि उत्तर प्रदेश का 9.4 ही देखने को मिला है। पूरे देश भर में 17वां स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है, यानी कि स्थिति बेहद ही अच्छी रही। यहाँ पर महिलाओं के साथ बदतमीजी नहीं होती, उनका आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होता और जो शील भंग के मामले हैं वो भी अब थानों में कम देखने को मिलते हैं। जब किसी भी थाने में कोई क्राइम अपराध दर्ज होता है, पंजीकृत होता है या फिर रजिस्टर्ड होता है, उन्हीं के आधार पर NCERB के आंकड़े जारी किए जाते हैं। तो उन्हीं आधार पर मैं आपको बता रहा हूं ये सारे आंकड़े जो है NCERB के हैं। शील भंग के मामले में राज्यों की स्थिति देखें और यूपी की स्थिति देखें तो मैं आपको बता दूं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उड़ीसा सर्वाधिक रहा 32.0, केरला 26.6, जम्मू कश्मीर 24.9, तेलंगाना 24.7, आंध्र प्रदेश 22.2, जबकि उत्तर प्रदेश महज 9.4। और आप जो लाल ग्राफ देखिए सबसे नीचे मैं आपको बता दूं उड़ीसा की स्थिति 32 पर है जबकि उत्तर प्रदेश की स्थिति 9 पर है। तो इस ग्राफ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो क्राइम के जो रेट थे, क्राइम का जो दर था वो एकदम से यूपी में नीचे आया। तो 9 पर यूपी है शील भंग के मामले में, यानी कि महिलाओं के आत्मसम्मान के साथ अब यहां पर खिलवाड़ नहीं होता है। तो ये तमाम मैंने अपराध के प्रकार आपको बताए जो यूपी में कमी आई है। तो इसका मतलब यह है कि योगी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है कारगर साबित हुई और योगी सरकार की जो चेतावनी थी वो भी यहां पर साबित हुई और देखने को मिली कि किस प्रकार से यहां पर अपराधों में कमी देखने को मिली है।
तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में किस प्रकार से अपराधों में कमी लेकर आए, जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया, ना तो यहाँ पर अब लूट की वारदातें होती है, हत्या के प्रयास होते हैं, ना ही हत्या होती है बालिकाओं के साथ में, ना ही कोई किसी प्रकार के अपराध होते हैं। ये जो तमाम ग्राफ मैंने आपको बताए ये यूपी के हैं, अन्य प्रदेशों की तुलना मैंने आपसे यूपी से की कि किस प्रकार से अन्य राज्यों में किस प्रकार के अपराधों की घटना होती है, जबकि उसकी जो दर है यूपी में कम देखने को मिली है, यानी कि अन्य राज्यों की तुलना में जब मैंने यूपी को आपको बताया तो यहाँ पर हर प्रकार के अपराधों में यूपी में गिरावट दर्ज की गई है, यानी कि यहाँ पर अब अपराधों में बेहद ही कमी आई है। एनसीआरबी ने 2022 के लिए जो आंकड़े जारी किए वो मैंने आपको बताए और उन्हीं के अनुसार पिछले 5 सालों में असम में दंगे हुए लेकिन यूपी में दंगे एक भी नहीं हुए हैं, यहाँ पर दंगों के मामले एक भी दर्ज नहीं किए गए हैं। 80% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, छत्तीसगढ़ में ये आंकड़ा बढ़ा और इस कदर बढ़ा कि 34% की इसमें उछाल देखने को मिली। देश भर में सांप्रदायिक दंगों की घटनाओं में 2018 और 22 के बीच में 34% की गिरावट देखने को मिली है। सांप्रदायिक दंगों की मैंने बात आपको पहले भी बता चुका था, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि 2021 से लेकर 378 से घटकर ये मामला 2022 में जब पहुंचा तो केवल 272 ही इस प्रकार के मामले रह गए थे, जबकि मध्य प्रदेश में साल 2022 में सांप्रदायिक दंगे या धार्मिक दंगों की 68 घटनाएं हुई, बिहार में 60 हुई, उत्तरा और झारखंड में 46 घटना हुई, जबकि एनसीआरबी के यही आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक या फिर धार्मिक दंगों की एक भी घटना नहीं हुई है। इससे ये साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में जो अपराधों का ग्राफ है घटता जा रहा है।